शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के साथियों का जीवन आसान बनाने वाली इन नई सुविधाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमृत 2.0 अभियान, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की शहरों की जल सुरक्षा नीति के तहत अमृत योजना का जन्म हुआ है। राज्य के 145 शहरों में 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 300 से ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस अभियान के माध्यम से लगभग 41 लाख घरों को नल कनेक्शन से स्वच्छ जल और 38 लाख से ज्यादा घरों को मल निस्सारण की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत भिवंडी निजामपुर, कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, शेगांव, सातारा, भद्रावती इन जगहों पर जल आपूर्ति प्रकल्पों का और सांगली जिले में मल निस्सारण प्रकल्प का निर्माण होगा। इन सारी परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1200 करोड़ रुपयों तक है। ऐसी योजनाओं के चलते भारत जैसे महान राष्ट्र के महाराष्ट्र में प्रगति की रफ्तार अपनी चोटी पर है। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार इस विकास की प्रक्रिया को निरंतर गति देने का प्रयास सफलतापूर्वक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, गरीब ठेले वाले, रेडी वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, हमारे ये सब साथी सड़क विक्रेता आत्मनिर्भर बने, इस हेतु हमारे प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से 10,000 रुपयों तक एक माइक्रो क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये योजना बिना गारंटर लोन प्रदान करती है। समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को योजना के दूसरे हिस्से में 20,000 रुपयों तक और तीसरे हिस्से में 50,000 रुपयों तक की क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी। एक वर्ष के कार्यकाल के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को सालाना 7% की दर से ब्याज सब्सिडी भी मिल सकती है। ऐसी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र के सभी स्तर के नागरिकों का जीवन अधिक सुखद और समृद्ध करना विकसित भारत संकल्प का ध्येय है।